अरुण चौरसिया हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अरुण, सम्राट अशोक को लेकर के एक बार फिर से बीजेपी जेडीयू आमने सामने है। बीजेपी बड़े ही भव्य तरीके से इसका आयोजन उन्होंने किया, जेडीयू भी आगे आई। किस तरीके से सम्राट अशोक पर हुए एक बार फिर से जो सियासी माहौल को देख रहे हैं? देखिए, निश्चित रूप से राहुल, सम्राट अशोक के बहाने जो कुशवाहा समाज है उसको साधने की कोशिश हर एक राजनीतिक दल कर रहे हैं, और इसी का एक उदाहरण कहा जा सकता है कि इस बार सम्राट अशोक का जो है उसका जन्मदिन काफ़ी भव्य तरीके से मनाया गया है, और दोनों पार्टियां अलग अलग तरीके से अलग अलग आयोजन करके मनाई है। लेकिन जिस तरह से उनके इस समारोह को लेकर बयानबाजी हो रही है, ये बता रहा है कि कहीं ना कहीं जो इसमें है राजनीति काफ़ी हो रही है। और जो वोट बैंक है, कहा जाता है कि कई लोग मानते हैं जो सम्राट अशोक थे वो कुशवाहा समाज से आते थे, हालांकि इस पर कई लोग विवाद भी करते हैं, दूसरे लोग आपत्ति भी करते हैं, जो कि उनकी जाति अभी कैसे निर्धारित की जा सकती है कि वो कुशवाहा समाज से थे या किसी और समाज से। लेकिन अधिकांश लोग मानते हैं कि कुशवाहा समाज से थे। यही वजह है कि कुशवाहा समाज को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए उनका जो नाम है, चूँकि सम्राट अशोक का एक नाम है, उनका एक इतिहास है, और इसको लेकर इस पर राजनीति हो रही है। और जिस तरह से पिछले दिनों भी देखा गया है कि एक साहित्यकार ने सम्राट अशोक के बारे में जिस तरह की टिप्पणी की थी और अपने किताब में लिखा था, उसको लेकर जेडीयू आपत्ति जता रही थी, और उसको जो सम्मान दिया गया था उसको वापस लेने की बात कही जा रही थी। वहीं से राजनीति की शुरुआत हुई थी और अभी भी है, ये राजनीति चल रही है। बताते चले कि नीतीश कुमार की जब सरकार आई थी, कहा जाता था कि नीतीश कुमार लव कुश, यानी जो समाज के दो ध्रुव, दो जाति है, उसको एक साथ लेकर नेता बने थे, उसमें से एक कुशवाहा समाज भी था। अब उसी कुशवाहा समाज पर बीजेपी की नज़र है। पहले से भी कई नेता बीजेपी में शामिल हैं, कुशवाहा समाज के बड़े नेता हैं, लेकिन बीजेपी चाहती है कि जो और भी लोग हैं उनके साथ ज़्यादा जुड़े। यही वजह है कि जब कल आयोजन हुआ तो न सिर्फ बिहार के बल्कि केंद्रीय स्तर के भी कई नेता शामिल हुए। वहीं जेडीयू ने भी बड़े जोर शोर से इसका आयोजन किया है, और वो लगातार मांग कर रहे हैं कि सम्राट अशोक के नाम पर जिसने गलत बयानबाजी की है, गलत किताब लिखा है, उस पर कार्रवाई हो। तो दोनों दल जो है अपने अपने बयानों के आधार पर चाह रहे हैं कि जो कुशवाहा समाज है उनकी तरफ रहे। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया अरुण जी का जो प्रयास है। और फिर दूसरी ओर भारत सरकार द्वारा उनको प्रोत्साहित किया गया, तो उनको जो अवार्ड दिया गया उसको भारत सरकार से हम लोगों की मांग थी कि भारत की सरकार अविलंब वापिस ले, ताकि कल कोई और व्यक्ति इस तरह की कोशिश न करे। तो यह डिमांड तो आज भी हम लोगों की है, तो इस इन चीज़ों पर बोलना चाहिए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के मित्र लोग भी इस बात से उस समय सहमत थे और आज भी सहमत हैं ही।